कुमकुम भाग्य। ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना, ये शादी, ये फेरे, ये वचन, ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी, कुछ करो, ये शादी रोक दो। आप ठीक तो हैं? आप सुन रहे हो ना मेरी आवाज प्रज्ञा? तुम बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ साफ ये बात है कि तुम कल जो कुछ भी कर रही थी उससे ये पता लग रहा कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी मुसीबत घर की चौकट तक नहीं लांग सकती। आलिया जी, मुझे ये थोड़ा साफ करना था। बाथरूम ढूंढ रही थी, कौन सा यूज करूं? मुझे कोई और काम नहीं है। ये क्या कर रही है आलिया? शिकार खुद तेरे पास आ रहा है और तू उसे भगा रही है। अच्छा मौका है, अपने जाल में फंसा ले और ले ले बदला। तनु, तुमने दिशा को देखा है? मुझसे पूछ रहे? इस घर में रहती हो इसीलिए पूछ रहा हूँ, और पूछ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पे चढ़ जाओ। पता है तो बताओ, नहीं तो अपना रास्ता नाप। यू नो व्हाट, इतना सुनने के बाद अगर मुझे पता भी होता ना, तब भी तुम्हें नहीं बताती, जाके खुद ही ढूंढ लो। अब बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कोई काम थोड़ी होगा। पूरब दिशा को ढूंढ रहा है, लेकिन दिशा को तो लास्ट टाइम मैंने आलिया के साथ देखा था, और उसी के बाद वो नहीं दिख रही। कहीं आलिया ने तो उसके साथ कोई गड़बड़। बस प्रज्ञा, अब बस भी करो, कितना रोओगी? रोने से सब कुछ पहले की तरह ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हें क्या कर? अब बताइए, जिस इंसान का सब कुछ छिन गया होता है वो क्या कर सकता है? मैं यहाँ आ रही थी ना, मैं इतनी नर्वस थी, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि पता नहीं मैं खुशी कर। और अब घबराहट हो रही कि जीऊंगी कैसे, क्या करूंगी, कहाँ। आपसे एक आखिरी चीज मांग रही, प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। बोलो प्रज्ञा। मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे आप अपने शहर में ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा, मुझे हर चीज को देख के गुस्सा आ रहा है, मुझे हर चीज पे रोना आ रहा है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं यहाँ पे। आप मुझे अपने पास अपने अपने शहर ले चलिए, वहाँ कोई मेरा अपना नहीं होगा, जिसको मैं जानती नहीं होगी, कोई नहीं होगा, कोई पुरानी यादें नहीं होंगी। मैं आप पे कोई बोझ नहीं बनूंगी, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, मैं आपके क्लिनिक में जॉब कर लूंगी, या फिर नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इससे नहीं रहा जाएगा यहाँ। डोंट वरी प्रज्ञा, मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूंगी। तुमने मुझे दीदी कहा है, तो ये बहन तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम मेरे साथ चलोगी मेरे अपने घर। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर ही बैठो, मैं जाने की तैयारियां करती हूँ, टिकट्स अरेंज करती हूँ, हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। दिशा को अंदर जान से मार रही हूँ। अच्छा मौका है, बीच में डिस्टर्ब करो, हटो। आलिया, ये फैमिली घर पर है, इतनी मुश्किल से हमें एंट्री मिली और तुम ये सब क्या चाहती हो? घर में आए हैं तो घर की खुशियों में शामिल हो जाऊं, जो वो कर रहे हैं उसको देखती रहूं? अगर पूरी फैमिली इस घर में है, अगर पकड़े गए तुम्हारे हम जाएंगे। लुक तनु, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ना, आई एम श्योर तुम्हारी वजह से जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं कहीं नहीं जा रही, पूरा दिशा को ढूंढ रहा है, और अगर उसने तुम्हें ऐसे दिख लिया ना, तो पूरी तरीके से पकड़ी जाओगी तुम। चलो मेरे साथ। तुम चलो आलिया। अरे तुम्हें याद है ना अभी ने क्या कहा था? अभी को पूरा शक है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर तुमने कुछ भी किया ना, तो अभी तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं देगा, सीधा सजा देगा। और सजा पता है क्या होगी? सजा मौत की होगी, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी कहीं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तनु। अरे पता लगने दो सबको कि मैंने किया है, पता चलने दो कि मैंने पूरब के लिए किया। जिस आग में मैं जल रही हूँ, सबको जलने दो ना। और सबसे पहले जलेगी वो दिशा। हाउ डेयर शी।
प्रज्ञा, आज जो हमने पूजा रखवाई है ना, उसमें और शादी की पूजा में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आज इस पूजा में तुम्हें घूंघट ओढ़ कर ही बैठना पड़ेगा दुल्हन की तरह। हाँ बेटा, अग्नि के सामने दुपट्टा रख के बैठना। ये गाड़ी यहाँ लगता है सब लोग मंदिर आए हैं। हाँ यही आए होंगे। चल बैठो। चलो बेटा, अभी आओ बेटा। चलिए दीदी, आज आपकी दिल की मन्नत पूरी हो गई, पूरी फैमिली के साथ एक साथ पूजा करने की। मन्नत कुछ ज्यादा ही पूरी हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने तो मन्नत मांगी थी अभी और प्रज्ञा की पूजा के लिए, और साथ में देखो ना पूर्व और दिशा की भी पूजा हो रही है। इसके बाद क्या करने का प्रोग्राम? नहीं, कहीं घूमने का प्रोग्राम कर लेंगे उसमें। हाँ ये भी ठीक है। हाँ पापा जी, वो पिकनिक टाइप ना, सब लोग साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा, है ना? अच्छा है, पूरा परिवार एक साथ है। इनके साथ बाकी सबसे भी सवाल करूंगी कि वो सब मुझे इतनी आसानी से भूल कैसे गए। सब मुझे देखकर हैरान है या परेशान, क्योंकि मुझे जिंदा देखकर आप में से खुश तो कोई नहीं नजर आ रहा। और मुझे आप लोगों से सवाल कर, सबसे पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए था। क्या नहीं किया मैंने हमारे प्यार के लिए, और आपने कोशिश ही नहीं की। क्या सवाल करूं आपसे, मुझे खुद नहीं समझ। सवाल तो मैं इनसे भी करना चाहती हूं कि ये जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं। नक्शा देवसु के खजाने के रास्ते का नक्शा है। हमारे सेठ का इससे खत्म करेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। याद रख भावरा, जितना गहरा होता है ना, उसका बोझ उतना ही। पसंद लिया? बहुत देर लगा दी आने में तुमने देवी। सिक्योरिटी कंपनी ने बंगलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि पेपर्स डेफिनेटली बंगलों के अंदर है।
महक अंदर जाकर पेपर्स ला सकती है। एक सोचना भी मत। अरे हम कोई और रास्ता निकालेंगे। पुराना सर, आई एम रेडी। मैं घर में जाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक प्लान है। इस संदूक में रखी चीजें देखने के बाद आप सबकी आंखों से तेजस्विनी दीदी का चढ़ाया हुआ झूठ का पर्दा हट जाएगा और आप सबके सामने तेजस्विनी दीदी की सच्चाई आ जाएगी। खोलो ये संदूक। अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ऋषभ प्रीता के इतने करीब आ जाएगा कि वो उससे शादी नहीं करेगा। इस घर में उस प्रीता की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई। I promise you, अब उस लड़की को मैं ऐसे उसकी औकात दिखाऊंगी कि इस घर में वो सर ऊंचा करके चलने लायक नहीं रहे। लगता आदि का गुस्सा ठंडा हो गया। Thank God. अब तो मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry.